किसानों पर आज भी पिछड़े होने की छवि चस्पा है, लेकिन अब किसान बदल रहे हैं। वो नई तकनीक, नई फसलों को अपनाकर अपनी इनकम में इजाफा कर रहे हैं। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है, और हमें इस मौके को भुनाते हुए हमेशा ही नई तकनीकों को अपनाना चाहिए, जिससे हमें बेहतर मुनाफा या यूं कहें कि बम्पर कमाई हो सके। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, दूर दूर तक दिख रहे हरे भरे खेतों में पेड़ों पर लटकती हुई करेले की फसल इसकी गवाही दे रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक गांव है देवली। यहां के किसान हैं दिग्विजय सिंह, जिनके करेले इलाके में काफी मशहूर हैं। ये सब इसलिए क्योंकि उनके करेला की उपज क्वालिटी इलाके में उगाई जाने वाली दूसरों से काफी बेहतर होती है। उनके करेला जब भी बाजार में जाते हैं तो लोग उसे हाथों हाथ खरीद लेते हैं, जिसके पीछे छिपी है उनकी सालों की मेहनत। इनका जो तकनीक है सर, बहुत लाजवाब है। मल्चिंग काफ़ी कम किसान जानते हैं मल्चिंग के बारे में, और ये खेती से मल्चिंग लगाने से काफ़ी कुछ फ़ायदे सोलंकी जी ने बताई दिए हैं, और इनका मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। यही तकनीक को अपन अपनाना चाहेंगे अपने यहाँ पे। अभी तक हम लोग बिना मल्चिंग से ही करेले की खेती करते आ रहे हैं, क्योंकि आज देखा इनका कि मल्चिंग से काफ़ी कुछ फ़ायदे हैं, तो ये तकनीक अपन ज़रूर अपनाएंगे भाई साहब। वो ऑर्गेनिक रूप से, जैविक रूप से भी खेती का काम करते हैं, और बहुत टेक्निकल होने के कारण वो सभी चीज़ों को सुचारू रूप से करते हैं। वर्तमान में उनके द्वारा करेले में मल्चिंग के द्वारा लगाया गया है। मल्चिंग से एक फ़ायदा ये रहता है कि उसमें उत्पादन में 15-20% तक वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, खरपतवारों का प्रकोप कम होता है, कीट व्याधि का प्रकोप भी कम हो जाता है, और पानी का जो वाष्पोकरण होता है वो कम हो जाता है। इस कारण से मल्चिंग से अच्छे फायदे हैं, और शासन इस पे अनुदान भी प्रोवाइड करता है। दिग्विजय बताते हैं कि वो करेले की खेती पिछले कई सालों से कर रहे हैं। उन्हें 5 एकड़ में की गई करेले की खेती से महज 6 महीने में 20 टन तक की उपज मिल जाती है, जिसे बेचकर उन्हें तकरीबन 1.5 से 3 लाख रुपए की कमाई हो जाती है, जिसमें से लागत खर्च घटाने पर उन्हें 2.25 लाख के करीब मुनाफा हो जाता है। इस तरह 5 एकड़ में लगभग 10 लाख की आमदनी हो जाती है। 1 एकड़ में 20,000 के समथिंग तो मल्चिंग ही लगती है, और इसके अलावा सीड वगैरह सभी चीज़ों का मिलाकर तार लगता है, उस पर जाली लगती है, 1 लाख के आसपास प्रति एकड़, शुरुआत से लेकर जो दवाई वगैरह सभी का खर्चा लगभग बैठ जाता है ग्राउंड टेबल। मैंने इस साल 5 एकड़ में लगाया है, और 5 एकड़ में लगभग 5 लाख के आसपास का खर्चा हो चुका है। कम से कम भी होगा तो हमारा हर साल के अनुभव के हिसाब से 1.5 से 2 लाख प्रति एकड़ का मुनाफा हो जाता है। 5 एकड़ में कम से कम भी होगा तो 8-9 लाख रुपए तो आसानी से हो जाएंगे। ये 65 से 70 दिन में ये पहली तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है, और उसका उत्पादन करीब हाइब्रिड किस्मों का 150 से 200 क्विंटल तक वर्तमान में किसानों द्वारा लिया जा रहा है। मार्केट रेट्स है उनको जो है करीब 2 से 2.5 लाख रुपए के लगभग इनकम सुताई प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो रही है, और इस बार करेले का रकबा हमारे जिले में बढ़ा। इसकी खेती की तकनीक के बारे में बताते हैं कि वो कहते हैं इसकी बुआई मार्च में की जाती है, इसके बाद अप्रैल में फलों की तुड़ाई शुरू हो जाती है, इसके बाद वो लगातार जून जुलाई तक तुड़ाई करते रहते हैं। इस दौरान उन्हें 20 टन तक पैदावार मिल जाती है। अब इतनी उपज देने वाली फसल की देखरेख भी कुछ खास ही होगी। वो बताते हैं कि फसल में जब कीट रोगों का प्रकोप दिखाई देता है तो कीटनाशकों और दवाओं का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसमें पहले तो जो प्लाव आता है मिट्टी पलटने वाले हल से, उसकी गहरी जुताई करते हैं, उसके बाद उसको 15 दिन तक अच्छी धूप खाने देते हैं, उसके बाद 5 फीट पर उसके बेड बनाते हैं। बेड की हाइट को ध्यान में रखना पड़ता है, 1 फीट ऊंचा होना चाहिए बेड, और 2 फीट के आसपास चौड़ा होना चाहिए। एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी है 5 फीट के लगभग होना चाहिए। दिग्विजय अपने करेले की खेती में अच्छी क्वालिटी के बीज और नए प्रयोगों के बल पर इतनी अच्छी खासी आमदनी ले रहे हैं। इसके लिए वो बुआई के लिए मॉडर्न तकनीक मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक एक्सपर्ट का कहना है,
अगर किसान मल्चिंग बिछा कर करेले की खेती करते हैं तो 15-20% उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। मल्चिंग से खरपतवार भी कम होती है और पानी का वाष्पीकरण नहीं होता, जिसके चलते कम पानी में भी अच्छा उत्पादन मिल जाता है। तो उसके ऊपर फिर मल्चिंग बिछाते हैं, मल्चिंग में भी झिकझेट पर 1.25 फीट पर डीपर से डीपर जो 1.25 फीट पर होता है वहाँ पर एक होल करते हैं और एक होल पर एक सीट को लगाते हैं। वो आधार खाद के रूप में एक DAP, एक पोटास, एक सुपर और दो हमारे पास हमारा खाद है नेचर गार्ड या कोई सा भी जो जैविक खाद है उसको उसका उपयोग करते हैं। दिग्विजय सिर्फ कहते नहीं बल्कि उन्होंने साबित करके दिखा दिया है। अपनी ऐसी सफलता के कारण दिग्विजय आसपास के इलाके में चर्चित हैं। उनकी सफलता की कहानी ये बताती है कि अगर सही तकनीक से सही फसल का चुनाव कर खेती की जाए तो बंपर मुनाफा पक्का है। आप भी दिग्विजय से सीख लेकर अपनी आमदनी बढ़ाने का उपाय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।